नमस्कार। कहते हैं सियासत इस कदर आदमी पर एहसान करती है, सियासत इस कदर आदमी पर एहसान करती है, आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निघा मैरिज हॉल। बात करेंगे सियासत की, बात करेंगे राजनीति की, बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। लेकिन इससे पहले एक अहम खबर की तरफ आपको जोड़ना चाहते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। हालांकि देश भर में कोरोना वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं हर जगह, लेकिन इसके बावजूद भी 5 राज्यों से हमारे पास जो खबर आ रही है बेहद चिंताजनक है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, पंजाब की, तमिलनाडु की, गुजरात की, तो इन राज्यों से लगातार जो खबरें आ रही हैं बेहद चिंताजनक हैं। पिछले 6 दिनों की अगर बात करें तो पिछले 6 दिनों में 20,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस मिले हैं, जिससे चिंता और काफ़ी तेज हो गई है। और चिंता की बात है, आपको फिर से बता दूं कि 5 राज्य जिनमें महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है और यहां से जो खबरें आ रही हैं बेहद चिंताजनक है। और बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कोरोना खामोश है, लेकिन लगता है कि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक देनी शुरू की है। आसनसोल जिला अस्पताल में एक पेशेंट को लाया गया पोस्टमार्टम के लिए, ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से उसकी मौत हुई है, जो बर्नपुर के हॉस्टल पाड़ा इलाके का रहने वाला था। पिछले 9 दिनों से बर्नपुर के एक हॉस्पिटल में रखा गया था उसे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। मौत के बाद आसनसोल जिला अस्पताल में आज पोस्टमार्टम के लिए लाया गया उसे और ऐसा अंदेशा है कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से, कोरोना संक्रमण की वजह से उसकी मौत हुई है। बहरहाल इस मामले में कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से अस्पताल के कर्मचारी पीपीई किट पहनकर लाश को ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम हॉल की तरफ, उससे अंदेशा साफ हो जाता है कि हो सकता है कोरोना की वजह से मौत हुई हो इसकी। और इस मामले में आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और कोरोना की वजह से, कोरोना संक्रमण की वजह से बर्नपुर के हॉस्टल पाड़ा के रहने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है। करेंगे सियासत की, बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने आज बांकुड़ा के छात्रा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि यहां निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। उन्होंने देश के गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह पर यह आरोप लगाया कि वह बार बार चुनाव आयोग को दखल दे रहे हैं, उनके कार्य करने के मामले में लगातार दखल अंदाजी कर रहे हैं। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने कही। आइए सुनते हैं कि ममता बनर्जी ने और क्या कहा यहां की जनता से। এই ধরনের অনেক কাজ ছাত্র যৌবনদের জন্য ঢেলে কাজ করা হচ্ছে। আজকে বাঁকুড়া বর্জরা বলুন, টেরেকোটা বলুন, বিষ্ণুপুরী ঘরানা বলুন, মুকুটমণিপুর বলুন, শুশনিয়া পাহাড় বলুন, হোম ট্যুরিজম বলুন, সব কিছুই কিন্তু করছি। আপনারা জানেন সুভাষিসকে কেন ভোট দেওয়া উচিত? যখন আমাদের বাংলায় পেঁয়াজ পেতাম না, আমাদের মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে পেঁয়াজ কিনে আনতে হতো, আর কত দাম। তখন আমি একদিন সুভাষিসকে ডেকে বললাম, তুমি তো কৃষিকার্য নিয়ে পড়াশুনো করেছো, বাঁকুড়ায় দেখো তো পেঁয়াজ তৈরি হয় কি না। পেঁয়াজ তৈরি প্রথম বাঁকুড়ায় করেছিল সুভাষিস বটব্যাল। এবং তারপর থেকে মনে রাখবেন, আমরা মুর্শিদাবাদে করি, আমরা পুরুলিয়ায় করি, আমরা অন্যান্য জায়গায় করি, এখানে আমাদের ফার্ম হাউসও আছে। অনেক কাজ করে ছেলেটা, ওর একটাই দোষ, ও ফোনটা কম ধরে। আমি ওকে বলেছি এবার থেকে ফোনটা ধরবে, ফোনটা ধরবে, ওর একটাই দোষ। আমি তো আপনাদের কাছে বলেই যাচ্ছি, আমিই ঝগড়া করি, কিন্তু এই ছেলেটা অনেক আন্দোলন করেছে। এক সময় সিপিএম তো এদের বিরুদ্ধে গাদা গাদা কেস দিয়ে রেখেছিল, সেই সময় কেউ আসতো না, কিন্তু আমি বাঁকুড়ায় খুব ঘুরতাম। কেন ঘুরতাম জানেন? বাঁকুড়া আমার খুব প্রিয়। এখানকার ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোলেই দেখবেন প্রথম হয়েছে কে, বাঁকুড়া, দ্বিতীয় হয়েছে কে, বাঁকুড়া, তৃতীয় হয়েছে কে, বাঁকুড়া, চতুর্থ হয়েছে কে, বাঁকুড়া। এবং বাঁকুড়া
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ भी आज पश्चिम बंगाल पहुंचे और पश्चिम बंगाल के कई शहरों में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। हमारे पास पुरुलिया से खबर आ रही है। पुरुलिया के बलरामपुर में योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना चाहता है। इस तरह की बातों को बार बार दोहराया योगी आदित्यनाथ ने और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार पर उन्होंने निशाने साधे। बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी का अड्डा नहीं बनने देना है और इसके लिए हमें एक बार फिर से लड़ाई लेनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में सीबीआई की टीम के द्वारा लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। कोयला माफियाओं के ठिकानों पर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी के बीच आज कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर में उद्योगपति अमित अग्रवाल उर्फ सोनू सेठ के घर पर भी छापामारी अभियान चलाया गया। सीबीआई के अधिकारी उनके घर पहुंचे और काफ़ी देर तक उनके घर में ये तमाम लोग मौजूद थे, सीबीआई के अधिकारी मौजूद थे और पूछताछ की गई लगातार कई घंटों तक। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि सोनू सेठ उर्फ अमित अग्रवाल के घर के सामने सीबीआई अधिकारियों की गाड़ियां लगी थी और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी उनके साथ थे और यहां छापामारी अभियान चलाया गया। आपको बता दूं कि सोनू सेठ के नाम से मशहूर अमित अग्रवाल की कई फैक्ट्रियां हैं, टीएमटी बार की फैक्ट्री भी है और यही वजह है कि वो पिछले काफ़ी दिनों से सुर्खियों में भी थे और इसी के बीच सीबीआई के अधिकारी उनके घर भी आज पहुँच गए। पुरुलिया जिले के कई हिस्सों में आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जनसभाओं का आयोजन किया गया और इन जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के युवराज यानी भाईपो अभिषेक बनर्जी। उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर और मोदी सरकार पर। जोड़ा फूले सब वोट माबाई बोनेडा बाधुन जोट, जोड़ा फूले सब वोट श्रमिक कृषक बाधुन जोट, जोड़ा फूले सब वोट और बांगला निजेर আমি বলছি আপনারা পড়েন লাইনে বলুন বাংলা নিজের মেকে চাই। পুরুলিয়া আগামী দিন দিচ্ছে রায়, ছাত্র যুব দিচ্ছে রায়, সাগর থেকে পাহাড় জনগণের রায়, বহিরাগতদের নেই বাংলায় ঠাই, বহিরাগতদের নেই পুরুলিয়ায় ঠাই, আরে বহিরাগতদের দিন বিদায়, উন্নয়ন নেই বাংলার সার, বিনা পয়সায় খাদ্য পায়। रानीगंज के महावीर बाबूपुर इलाके में आदिवासी समाज के लोग काफ़ी तादाद में रहते हैं और इन्हीं आदिवासी परिवारों में से 8 आदिवासी परिवार ऐसे हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले ईसाई धर्म कबूल कर लिया था। यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने इन 8 परिवार के लोगों को बहिष्कार कर दिया है इन 8 परिवार के लोगों को और बहिष्कार करते हुए ये कहा गया है कि इन 8 परिवारों के लोगों को न तो गाँव से पानी मिलेगा, न तालाब का इस्तेमाल कर पाएंगे, न बिजली मिलेगी। इस तरह का फरमान जारी किया गया है गांव के लोगों द्वारा। आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले इन 8 परिवार के लोगों ने ईसाई धर्म कबूल किया था और इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस भी यहां पहुंची और पुलिस इस मामले को देख रही है और इस मामले में तफ्तीश कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। वहां पे तार जोड़ रहते कि एससीएल का है, वहाँ तो हम लोग अधिकार है, वो लोग कटा तो हम लोग सोचे चलो हम ही लोग जोड़ देते हैं। उनसे मारा पीट हुआ, वो जो क्या नाम है उसका कौन जगह से आसान ওই বাবুপুর 4 নম্বর মহাবীর। হ্যাঁ মহাবীর। আচ্ছা আপনাদের সাথে কি প্রবলেম হচ্ছে? কি প্রবলেম, জল দিচ্ছে না, পুকুরে চান করতে দিচ্ছে না, আর বাতিও দিচ্ছে না, আমাদেরকে সবগুলো কেটে দিয়েছে। কি বলছে ওনারা, কাটছে কেন? হ্যাঁ কি জন্য কাটছে? ওরা বলছে দিয়া জল দিকে যাচ্ছিস ওই দিকে যাস না, আমাদের জল দিকে যাচ্ছিস সেইখানে শান্তি পাওয়া যাচ্ছে আমাদেরকে, আমরা ওই ওই পথে আর জল দিকে সমাজ বলছে ওই দিকে যাব না। কোথায় গেছিলেন আপনি? কোথায়? 4 বছর ধরে যাচ্ছেন? এই নতুন যাচ্ছি 4 বছর।
ধরার লোক অনেক দিন থেকে যাচ্ছে মানে আপনারা সেই চার্চ মানে খ্রিস্টান ধর্ম নিয়েছেন ওনারা মানন বারণ করছে তারা বারণ করছে তারা বারণ করছে কি নাম তাদের बंगाल के जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हरिराम सिंह के समर्थन में यहां लगातार जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं और जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। जनसंपर्क अभियान आज भी चलाया गया और इस दौरान हरिराम सिंह ने यहां के लोगों से मुलाकातें की। आज से प्रचार का कार्य जो है डोर टू डोर शुरू किया। हमने जहाँ जहाँ अपने टीम के साथ गए रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, लोगों में उत्साह है। लोग आकर के ही बोल रहे हैं कि ना हम तो आपके विषय में जानते हैं, आप तो नेता हैं ट्रेड यूनियन के, आपसे तो बहुत से यहाँ पर लोग जो हैं हमसे संपर्क में थे पहले, आज भी संपर्क में हैं, इसलिए यहाँ मुझे यही। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय की तबीयत आज बेहद खराब हो गई। रानीगंज स्थित आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बोरो 2 कार्यालय में वह काम कर रहे थे काफ़ी जोश के साथ, इसी के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। आपको बता दूं कि 2 दिनों पहले ही वह चेन्नई से इलाज के बाद यहाँ लौटे थे और आज से उन्होंने कामकाज शुरू कर दिया था। आपको बता दूं कि सोमवार को ही वह ऑफिस आए थे, सोमवार को भी उन्होंने सारा दिन काम किया और मंगलवार यानी आज उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। चिकित्सकों का कहना है कि उन्हें रेस्ट करना पड़ेगा और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। আমরা কিছু কাজের জন্য এসেছিলাম বড়তে, তো বড়তে এসে দেখলাম যে দাদা গতকাল চেন্নাই থেকে ফিরেছিলেন, ফিরে আসার পর আজ উনি এখানে এসেছিলেন, জয়েন করেছিলেন আমাদের মানে বড়তে। আমাদের কাজও হয়ে গেল এবং আমরা দু একটা কথা দাদার কাছে বলতে বলতে হঠাৎ দেখছি দাদা প্রচুর ঘামছেন। তখন আমাদের একটু সন্দেহ হলো যে দাদা এসি চলা অবস্থাতেও আপনি ঘামছেন কেন? তখন বলছে আমি বুঝতে পারছি না, মাথাটাও খুব ঝিমঝিম করছে। তখন আমরা ডাক্তার মাঝিবাবুকে আমরা তখন ডাকলাম, ওনার সুগার প্রেশার ইসিজি সব করা হলো। করার পরে ডাক্তারবাবু বললেন যে উনি অসুস্থ, ওনাকে ইমিডিয়েট অ্যাডমিট করা উচিত। তখন আমরা বিলম্ব না করে রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে আমরা নিয়ে এলাম দাদাকে। তো এখানে ডাক্তারবাবুরা কী কী বলেছে ওনারা? ডাক্তারবাবুরা বললেন কিছুদিন রেস্টের প্রয়োজন, উনি যে চেন্নাই থেকে ট্রিটমেন্ট করে এসেছিলেন ওনার উচিত ছিল না জয়েন করা, ওনার উচিত ছিল বেশ কিছু যখন রেস্ট নেওয়া, কিন্তু দাদা কাজ ভালোবাসেন, সেই কাজের সুবাদে উনি নিজের শরীরকে দরকার না করে উনি আজকে কাজ করতে এসেছিলেন। হ্যাঁ, আর আজকে যখন আমরা দেখলাম তখন আমরা সবাই মিলে ওখানকার স্টাফ এবং আমরা যে কয়েকজন ছিলাম সবাই মিলে আজ রয়্যাল কেয়ারে অ্যাডমিট করলাম। আপনার নাম? সাগর। আমি ওই ইউপিএসসিতে কাজ করছিলাম, ভ্যাকসিনারি ছিল। তখন সাগরের কাছ থেকে খবর এলো যে পূর্ণ শশীতে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছে, একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আমি তখন কাজ ফেলে দিয়ে পুরো গেলাম, এসে যখন দেখলাম যে পূর্ণ শশীরা প্রায় কোলাপস অবস্থা, তখন খবর নিয়ে দেখলাম শুনলাম যে উনি চেন্নাই থেকে এসেছেন এবং পুরো হিস্ট্রি নিলাম যে ওনাকে রেস্ট দেওয়ার কথা ছিল চেন্নাই, যেখানে ডাক্তারবাবুরা ওনাকে রেস্ট দিতে বলেছেন। তাছাড়া উনি দীর্ঘদিন থেকে আমি নিজেও জানি যে উনি সুগারের পেশেন্ট, হাই সুগারের পেশেন্ট, হাই প্রেশারের পেশেন্ট, তার সাথে সাথে ওনার একটা আছে, যদিও আমি বহুবার বলেছি এবং কিছুটা কন্ট্রোলও করেছেন, সেটা হচ্ছে স্মোক করেন প্রচণ্ড, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উনি যে হাই প্রোফাইল মানুষ, মানে এই সময় যে রাজনীতি নিয়ে সমাজসেবা নিয়ে সারাক্ষণ যে ব্যস্ত থাকেন, সেই চিন্তা ওনার মাথার মধ্যে ছিল, সেগুলোই ওই বেশি ক্ষতি করছে। এই সময় যে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা মাথার মধ্যে থাকা উচিত না। ওনার হার্টটা খুবই উইক আছে, দেখলাম যে হার্ট যে সময় আমরা ইসিজি করি, ইসিজিতে দেখা যায় যে যদি এই সময় উনি রেস্ট না নেন যে কোনো সময় হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। এখন প্রচণ্ড টেনশনের মধ্যে উনি আছেন এবং ওনার যে হাই প্রোফাইল যে কাজ কারবার সেগুলো এখন সব বন্ধ রাখতে হবে, ফোন বন্ধ রাখতে হবে। মানসিক টেনশন এবং শারীরিক টেনশন, শারীরিক পরিশ্রম কোনটাই চলে না, স্পেশালি মানসিক পরিশ্রমটা একদম আস্তে আস্তে। এখন কোন হসপিটালে অ্যাডমিট করা হয়েছে?
इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। हम आपके हर सुझाव का करेंगे दिल से स्वागत। नमस्कार।